Assalamualaikum to all my students and welcome back to your study platform. I am back with another interesting video. So जैसे कि आपको पता है last lecture में हमने अपने सब topic the Lake Isle of Innisfree की reading की थी अपनी Oxford Modern English से. So आज हम उसके word meanings और summary write down करेंगे अपनी notebook पे. So without wasting the time, hurry up and open your notebook. Write the heading of, write down the meanings of new words. First word है हमारे पास battle. Battle का मतलब है टहनियों से बांधना. Second word है isle. Isle का मतलब होता है जजीरा यानी कि island. Third word है हमारे पास glade. Glade का मतलब होता है जंगल के अंदर एक खुला मैदान, ठीक है, यानी कि खुली साफ सुथरी सी जगह. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास हाइव. हाइव कहते हैं छत्ते को. ग्लिमर. ग्लिमर का मतलब होता है टिमटिमाना यानी कि हल्की धीमी रोशनी का आना. सेकेंड लास्ट वर्ड है लिनेट. लिनेट का मतलब होता है एक छोटा सा भूरे रंग का परिंदा. लास्ट वर्ड है शोर. शोर का मतलब होता है साहिल यानी कि साहिल समंदर या दरिया का साहिल कुछ भी, ठीक है. तो उसके बाद आपने हेडिंग देनी है राइट डाउन द समरी ऑफ द लेक आइल ऑफ एनिसफ्री. तो आपको पता है स्टार्टिंग में आपने अपनी पोइम का नेम राइट करना होता है, फिर उसके पोइट का नेम लिखना होता है. तो इसी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. दिस पोएम द लेक आइल ऑफ एनिसफ्री इज रिटन बाय अ फेमस पोएट नेम विलियम बटलर यीट्स. ये पोएम द लेक आइल ऑफ एनिसफ्री जिसको लिखा एक बहुत ही फेमस पोएट ने जिसका नेम है विलियम बटलर यीट्स, जिसको आप डब्ल्यू बी यीट भी कह सकते हैं. Yeats was a believer of magic and much of his life work is mystical. Yeats जो है वो जादू पर यकीन रखता है और उसके बहुत से काम में हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं. In this poem he talks about his imaginative peaceful life. इस poem में भी उसने अपनी पुरसकून imaginative यानी कि अपनी ख्याली ज़िंदगी का जिक्र किया है. According to poet के मुताबिक materialism is not important in life यानी मादियत प्रस यानी आपके चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना जो है वो ज़रूरी नहीं है. Peace and happiness can only be found in return to the simple lifestyle. वो कहते हैं ज़िंदगी का सुकून और खुशी जो है वो सादा रहने में है, ठीक है. इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट शोज क्लियरली, उसने ये वाजह तौर पर दिखाया है, बयान किया है दैट इवन इफ़ ही हैज़ टू लिव इन अ सिटी विद ऑल इट्स इलनेस, कि अगर उसे शहर में भी उसकी तमाम कह लें बुराइयों के साथ रहना पड़े, ही कैन फाइंड हैप्पीनेस एंड फील्स द ब्यूटी एंड पीस ऑफ अ फार डिस्टेंस आइल. तो वो उसकी सारी कह लें कि बुराइयों के बाद या खामियों के बावजूद भी वो उस शहर में जो है वो रहते हुए खुशी और नेचर की खूबसूरती और सुकून को बहुत दूर एक आइलैंड से महसूस कर सकता है, यानी कि वो शहर में रहते हुए भी जजीरे पर रहने की खुशी और सुकून को महसूस कर सकता है. एनिसफ्री इज़ एन एक्चुअल प्लेस इन आयरलैंड. एनिसफ्री जो है वो आयरलैंड की एक हकीकी जगह है. ही इज़ अट्रैक्टेड टू दिस प्लेस, वो इस जगह से बहुत मुतासिर है. बिकॉज इट्स मॉर्निंग विल ब्यूटिफुल विद क्रिकेट सॉन्ग्स, क्योंकि उसकी सुबह जो है वो खूबसूरत परिंदों के चहचहाहट से होती है. इन द इवनिंग, शाम में ही विल इंजॉय लिनेट्स फ्लाइंग, वो छोटे परिंदों के उड़ने की आवाज़ों को एंड इट्स सॉन्ग्स, उसके सॉन्ग्स को इंजॉय करेगा. ही विल बी एबल टू हियर द बजिंग ऑफ बीज, उसे मक्खियों की बिनबिनाहट अब सुनाई देगी. एंड ही विल बी हैप्पी इन दिस पीसफुल प्लेस, और वो उस पुरसकून जगह पर बहुत खुश होगा, यानी कि वो इस शहरों की शोर शराबे वाली ज़िंदगी से इस्केप चाहता है. वो चाहता है कि वो ऐसी पीसफुल जगह पे रहे जहाँ पर वो नेचर को एक्सप्लोर कर सके और इन्जॉय कर सके. सो दिस इज़ डन फॉर टुडे. वी हैव राइट द वर्ड मीनिंग्स एंड समरी ऑफ आवर सब टॉपिक द लेक आइल ऑफ एनिसफ्री. मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ ताकि आपको राइट आउट करना जो है वो आसान लगे. नीट हैंड राइटिंग में इसको अपनी नोटबुक या रजिस्टर पर राइट डाउन करके इसको याद करें. और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, कोई भी कन्फ्यूजन है, सो कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझसे पूछें. तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उसका रिस्पॉन्स कर सकूँ. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.